नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने हिरासत में ले लिया, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और आपको बता दें, इससे पहले संजय राउत के घर ईडी ने छापेमारी भी की थी और ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे 8 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ भी की। सुबह 7:20 से ये पूछताछ शुरू हुई जब ईडी की 3 टीमें संजय राउत के घर पहुंची, लेकिन इसके बाद यानी कि 8 घंटे की इस पूछताछ के बाद आखिरकार उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। और आपको बता दें कि संजय राउत पर 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के पात्रा चौल घोटाले में शामिल होने का आरोप भी है, यानी कि लगातार मुश्किलें उनकी बढ़ रही है। हिरासत में ले लिए गए हैं संजय राउत। देखिए, इससे पहले भी संजय राउत को कई बार ईडी ने समन्स भेजा था, लेकिन वो पेशी के लिए नहीं सामने आए थे, उन सवालों का सामना नहीं किया था। लेकिन 8 घंटे से ज्यादा तक अब ईडी ने अपने सवालों की पूरी फहरिस्त संजय राउत के सामने रखी और आखिरकार उन्हें हिरासत में ले लिया गया। और दिवाकर इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं संजय राउत के घर के बाहर से। दिवाकर, क्या परिस्थिति इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है, क्या तस्वीरें वहां से? देखिए, यहाँ पर संजय राउत को हिरासत में लेने के बाद अब ईडी की टीम उन्हें अपने दफ्तर ले जाने की पूरी तैयारी कर रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, सीधा तस्वीरें। यहाँ पर मुंबई पुलिस और रिजर्व पुलिस फोर्स के तमाम जवानों की तैनाती और साथ ही साथ जो सीआरपीएफ की टीम यहाँ पर ईडी के साथ आई थी वो भी कैंपस में तैनात है। यानी किसी भी वक्त जो है संजय राउत अपने घर से ईडी की टीम के साथ निकल सकते हैं। अब वहां पर उनसे ईडी दफ्तर में पूछताछ होगी शबीना, और इस पूछताछ के दौरान सबसे अहम बात जो ईडी की तरफ से सामने कही गई है कि जो संजय राउत से सवाल किए गए इस 8 घंटे की पूछताछ के दौरान, उस 8.5 घंटे के पूछताछ के दौरान उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, सवालों के कोई जवाब नहीं दिए, जिसके चलते उन्हें डिटेन किया गया है। लेकिन सबसे अहम बात आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हिरासत में यहां पर संजय राउत को ले लिया गया है, आगे की कानूनी प्रक्रिया किस तरफ इशारा करती है, क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर अब आगे देखने को मिलेगा? देखिए, जाहिर तौर पर डिटेन करने के बाद अब ईडी उन्हें अपने दफ्तर लेके जाएगी। वहां पर जो दस्तावेज ईडी ने यहां से जब्त किए हैं उसके आधार पर उनसे सवालात किए जाएंगे, और सवालात के दौरान अगर संतोषजनक जवाब संजय राउत नहीं देते हैं तो गिरफ्तारी की तलवार भी उन पर लटक सकती है। और कानूनी प्रक्रिया के तहत ईडी के पास ये अधिकार होता है कि अगर उनके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है या फिर सामने जो आरोपी है इस पूरे केस में उसे वो जो है कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो उसको अरेस्ट भी कर सकती है, ये कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन अरेस्ट जब आधिकारिक तौर पर ईडी की तरफ से ये बयान आएगा, ऑफिशियल तौर पर अनाउंस किया जाएगा, तभी ये साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो ईडी की तरफ से जानकारी सामने आई है कि उन्हें हिरासत में लेने के बाद अब सीधा यहां से बलाड स्टेट में जो ईडी का दफ्तर है, करीब 40 से 45 मिनट का वक्त यहां से अगर संजय राउत निकलेंगे तो वहां तक पहुंचने में लगेगा। तो ऐसे में वहां पर यहां पर होगी, ये तो क्लियर हो गया है। लेकिन साथ साथ आप क्योंकि उनके घर के बाहर पर मौजूद हैं तो क्या वहां पर शिवसेना के जो समर्थक हैं वो भी पहुंचे हुए हैं? ये देखिए, संजय राउत से है शिवानी, संजय राउत तस्वीरों में आपको देख सकते हैं, उनके साथ उनका पूरा परिवार, उनके भाई सुनील राउत इस वक्त जो है गाड़ी में बैठ रहे संजय राउत। और आप तस्वीरों में देखिए कार्यकर्ताओं को हाथ दिखा रहे हैं, कार्यकर्ता जो सुबह से उनके समर्थन में यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। अब संजय राउत यहाँ से ईडी की टीम के साथ रवाना होंगे और संजय राउत अपने परिवार के साथ यहाँ तस्वीरों में देखिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है शिवानी, ये तस्वीरें बहुत कुछ ये बताती है कि संजय राउत यहाँ से सीधा ईडी दफ्तर के लिए पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के बीच आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उसी जिस गाड़ी में संजय राउत आमतौर पर चलते हैं उसी गाड़ी में वो अब यहां से रवाना होंगे और ईडी की टीम उनके साथ जाएगी। उनका परिवार जो है, उनकी पत्नी ऊपर है, उनकी पत्नी ऊपर की तरफ दिख रही है, उनकी माता जी है और साथ ही साथ उनके परिवार के तमाम सदस्य। देखिए, जो खिड़की खुली हुई है वहां पर अब उनका पूरा परिवार सामने नजर आ रहा है। माता जो उनकी है उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखिए गम देखा जा सकता है, आंखों में आंसू इस वक्त उनके संजय राउत की माता की आंखों में आप देख सकते हैं। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बहुत कुछ बयां करती है, ये बताती है कि आने वाला समय संजय राउत के लिए। और ये देखिए तस्वीरें, संजय राउत का जो परिवार है लगातार कार्यकर्ताओं से हाथ हिलाकर लगातार उनका स्वागत, उनका धन्यवाद कह रहा है, क्योंकि ये कार्यकर्ता सुबह से ही संजय राउत के समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन अब फिलहाल संजय राउत के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है, शिवसेना के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि अब वहां से वो ये देखे वहां पर बाकायदा संजय राउत को यहाँ पर जो है माफ किया जा रहा है। और देखे टीम यहां से निकल चुकी है, संजय राउत को लेकर पीछे का जो गेट है उससे जो है टीम निकल चुकी है, यानी अब शिवसेना के लिए एक बड़ा धक्का और संजय राउत की मुश्किलें बढ़ने वाली है। उनका पूरा परिवार उन्हें छोड़ने के लिए आया था, उनके भाई, उनकी पत्नी, उनकी माता जी और साथ ही साथ जो परिवार के तमाम अन्य सदस्य हैं
वो जो है यहाँ पर और जो उनको छोड़ने के लिए आए थे, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप तस्वीरें आप देखिए कि लगातार यहाँ जो गाड़ियों का जो काफिला है वो अब यहाँ से निकलने वाला है, ये गाड़ियों का काफिला निकलने वाला है। और यहाँ पर तस्वीरें देखिए, उनकी माता जी और उनकी पत्नी और साथ ही साथ परिवार के तमाम अन्य सदस्य आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वो जो खिड़की खुली हुई है वहाँ से संजय राउत को बाय बाय यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको साफ तौर पर उन्हें पता है कि अगर उन्हें डिटेन किया गया है तो मुश्किलें बढ़ गई हैं राउत परिवार की। और ऐसे में उस परिवार के लिए देखिए यहाँ पर तस्वीरें बहुत ही भावुक तस्वीरें जरूर हैं, लेकिन ये मुश्किलें बढ़ाने वाली भी तस्वीरें हैं, क्योंकि संजय राउत को डिटेन कर लिया गया है। उनकी माता जी खुद वहाँ पर देखिए कार्यकर्ताओं का अभिवादन यहाँ पर कर रही, धन्यवाद उन्हें कह रही है। तमाम बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन अब फिलहाल संजय राउत को ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तमाम जो सवालात हैं, तमाम जो दस्तावेज ईडी ने जब्त किए हैं उसका जवाब देना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए तमाम जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो भी सुबह से इकट्ठा हुए थे, लगातार जो नारेबाजी थी वो लगातार की जा रही थी, लेकिन अब फिलहाल संजय राउत को लेकर ईडी की टीम यहाँ से निकल रही है। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं संजय राउत ने हालांकि मैसेज देने की कार्यकर्ताओं कोशिश की, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया, लेकिन अब फिलहाल संजय राउत को लेकर ईडी की टीम यहां से रवाना हो चुकी है। और रवाना होने के साथ ही अब वहां पर सवालों के जवाब उनसे पूछे जाएंगे, जवाब लिए जाएंगे, क्योंकि ईडी को यह शक है कि संजय राउत का इस पूरे घोटाले में एक बड़ा रोल था, और इसीलिए बाकायदा जो है उनसे 8.5 घंटे तक उनके घर पर रेड हुई। और दिवाकर इन तस्वीरों के साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे दिवाकर, कि जिस तरह से संजय राउत ये भगवा गमछा लेकर अपने गले में पहनते हुए नजर आए और जिस तरह से वो कार्यकर्ताओं का वहां पर अभिनंदन और अभिवादन लेते और स्वीकारते नजर आए हैं, क्या ये बता रहा है कि उन्हें इस बात का कोई डर नहीं है कि जो सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं ईडी की तरफ से, क्या उन पर इसका कोई असर नहीं है? ये दर्शाने की, ये जाहिर करने की सियासी तौर पर कोशिश है? देखिए आमतौर पर ये नेताओं की कला होती है, और खास तौर पर जब संजय राउत जैसे नेता हो, शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं, शिवसेना के सांसद हैं, दिल्ली में शिवसेना को रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में, और ऐसे में जो है तमाम जो कार्यकर्ता हैं, और साथ ही साथ इतना ही नहीं उनके जो छोटे भाई हैं सुनील राउत, वो भी विधायक हैं इस क्षेत्र से, और ऐसे में ये कोशिश है कार्यकर्ताओं को संदेश देने की, मैसेज देने की, कि वो डरे नहीं बल्कि उनके साथ खड़े रहें और ईडी के जो तमाम सवाल हैं वो उसका जवाब वो जरूर देंगे। और 8.5 घंटे के दौरान आपने इस पूछताछ में देखा होगा कि तमाम बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर सुबह से इकट्ठा हो गए थे। 7:20 पर जैसे उन्हें जानकारी मिली कि ईडी की टीम इस वक्त संजय राउत के घर पर पहुंची हुई है, उसके बाद से ही कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया था। उस दौरान भी संजय राउत जो है पूछताछ से समय निकालकर तो 2 मिनट के लिए खिड़की पे आए थे और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कहा था, और ऐसे में तो एक संदेश उस समय भी देने की कोशिश थी। और जब संजय राउत खुद ईडी के दफ्तर की तरफ रवाना हुए हैं तो ये संदेश वहां पर भी देने की कोशिश हो रही है कि कार्यकर्ता घबराए नहीं, और उनके गले में जो भगवा कलर का गमछा था वही है। उनके द्वारा देने की तो कोशिश हो रही है, लेकिन अब ये यहां पर ये तो साफ है कि उनकी मुश्किलें लगातार यहां पर बढ़ने वाली है, परेशानियां जो है संजय राउत की यहां पर बढ़ने वाली है, लेकिन साथ साथ वो क्या सवाल होंगे आज दिवाकर जो उनके सामने रखे जाएंगे, क्योंकि लंबी पूछताछ उनसे हुई थी तब भी उन्होंने उन सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन अब तो हिरासत में ले लिए गए हैं, तो कौन से वो सवाल होंगे जिनका सामना उनको यहां पर करना पड़ेगा? देखिए प्रमुख रूप से सवाल यही होंगे कि इस पूरे मामले में सबसे पहले प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें संजय राउत का करीबी बताया जाता है, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है वो प्रवीण राउत की बताई जाती है, प्रवीण राउत उसमें पार्टनर के तौर पर शामिल हैं, और उनके खाते से संजय राउत की जो पत्नी है उनके अकाउंट में लाखों रुपए जो है वो ट्रांजेक्शन हुए थे। उन ट्रांजेक्शन के बाद उनकी पत्नी को भी समन्स किया था ईडी ने, उनसे भी पूछताछ की थी, लेकिन उसके बाद संजय राउत का जो रोल सामने आया उसके बाद उस रोल के बाद सुजीत पाटकर से भी पूछताछ हुई थी, उस पूछताछ के बाद ईडी ने समन्स भी किया था। समन्स के बाद पहला जो समन्स संजय राउत को किया गया था उस समन्स में संजय राउत जो है वो पेश भी हुए थे, लेकिन 20 जुलाई और 27 जुलाई को जो समन्स किए गए उसमें संजय राउत ने हवाला दिया कि संसद सत्र चल रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव है, इसलिए वो यहाँ पर पूछताछ में शामिल नहीं हो सकते हैं। और ऐसे में संडे का दिन था, संजय राउत घर पे थे, तो ईडी की टीम आज सुबह ही उनके घर पर पहुंची, और यहाँ पर देखिए मैं आपको तस्वीरें कहूंगा, कैमरामैन लगातार दिखाते हैं, पुलिस अब कार्यकर्ताओं को हैंडल करने की कोशिश कर रही है। सवालात उनसे यही होंगे कि प्रवीण राउत से आपको कैसे जानते हैं, क्या उनकी कंपनी में आप पार्टनर हैं, आपकी पत्नी के अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर हुए लाखों रुपए वो किस लिए ट्रांसफर किए गए, क्या उसका मकसद था, और इतना ही नहीं आपका इस पूरे घोटाले में जो नाम आया आपके ऊपर जो आरोप है आरोपी के तौर पर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। तमाम सवाल जो ईडी के हैं जिसका जवाब जानने की ईडी ने यहां भी कोशिश की, लेकिन संजय राउत की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जांच में सहयोग नहीं किया गया, जिसके बाद अब ईडी की तरफ से
उन्हें डिटेन कर लिया गया और डिटेन करके अब सीधा ईडी दफ्तर की तरफ ले जाया गया है। दिवाकर, क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में पिछले दिनों भी हमने देखा किस तरह से ये पूरा बवाल मचा, किस तरह से पूरा सत्ता परिवर्तन यहाँ पर हुआ, और ऐसे में संजय राउत का एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ जाना और उन सवालों का जवाब न देना जो कि ईडी की तरफ से 8 घंटे से भी ज्यादा की पूछताछ में पूछे गए हैं। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आगे की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी कानूनी तौर पर, वो दर्शकों तक आप पहुंचाएं। देखिए, शिवसेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि बड़ी संख्या में शिवसेना में टूट हुई है विधायकों की, सांसदों की। 2/3 विधायक जो है वो टूट गए हैं, 2/3 सांसद टूट गए हैं। शिवसेना के हाथ से ग्रुप लीडर का पद चला गया है राज्य में भी और दिल्ली में भी जो संसद में है, और ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले में मोर्चा संजय राउत ही संभाल रहे थे। संजय राउत ही दिल्ली में जो है वो लगातार बीजेपी को जवाब दे रहे थे, लगातार जो है चीजों को संभाल मिले थे। ये सब चीजें जब बाहर आएगी तो मुझे विश्वास है आर्थर रोड जेल में नवाब मलिक के पड़ोसी बनने का सम्मान संजय राउत को मिलेगा। तो संजय राउत से जो पूछताछ है वो फिलहाल खत्म हो चुकी है, लेकिन बड़ी खबर ये है कि ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया है, और जैसा कि मेरे सहयोगी दिवाकर भी ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कि अगर सवालों का जवाब नहीं दिया संजय राउत ने, जिनकी तलाश ईडी को इस पूरे मामले के मद्देनजर है, तो गिरफ्तार भी यहां पर किया जा सकता है। फिलहाल संजय राउत को ईडी दफ्तर की तरफ ले जाया जा रहा है, लेकिन इस पूरी पूछताछ के खत्म होने के बाद देखिए क्या तस्वीर यहां पर सामने निकल कर आई। शिवानी, यहां पर इस तस्वीर के कई मायने निकलते हैं, जहां पर वो बाहर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं से यहाँ पर बाकायदा मुस्कुराते हुए मिल भी रहे हैं। बिल्कुल, मुस्कुराते हुए संजय राउत यहाँ पर मिलते हुए जरूर दिख रहे हैं, उनकी तस्वीरें सामने जरूर आ रही हैं, लेकिन इससे ये साफ है कि मुश्किलें तो उनकी कम नहीं होने वाली है। लगातार मुश्किलें और चुनौतियां यहाँ पर संजय राउत की बढ़ेंगी, क्योंकि इस पूरे मामले से उनसे कई सारे सवाल यहाँ पर किए जाएंगे। दिवाकर लगातार संजय राउत के घर के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिवाकर, क्या कुछ और तस्वीरें वहां पर आप देख रहे हैं? संजय राउत निकल चुके हैं, और आप ये बताइए कि ये चुनौती ईडी की कितनी बड़ी है संजय राउत के सामने। देखिए, मैं तस्वीरों में सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा, ये संजय राउत के घर का दूसरा गेट है, जो कि अभी बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन हुआ था। उसी गेट से अभी ईडी के साथ साथ संजय राउत की गाड़ियां निकल रही हैं, सीआरपीएफ के जवान आपको नजर आ रहे होंगे, मुंबई पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे होंगे उसी गेट से, क्योंकि जो आपको गेट नजर आ रहा है उसी गेट से आप सीधे जो है संजय राउत की गाड़ी निकली है, और उस गाड़ी जो है आप सीधा, क्योंकि उसके पीछे सीधा हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे लगता है, उसी हाईवे से सीधा फ्रीवे रोड होते हुए ईडी की जो टीम है वो उन्हें ईडी दफ्तर लेके पहुंचेगी। और सबसे बड़ी मुश्किलों की बात जो आप कह रही थी, यहाँ पर सिर्फ संजय राउत की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी, संजय राउत के अलावा उद्धव ठाकरे और शिवसेना की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि लगातार संजय राउत जो है वो शिवसेना के, खासतौर पर उद्धव ठाकरे के बैकअप के रूप में इस पूरे मुसीबत में, जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी घमासान हो रहा था, लगातार विधायक टूट रहे थे, सांसद टूट रहे थे, ऐसे में संजय राउत उद्धव ठाकरे के पीछे मजबूती के साथ खड़े थे, उनके कुछ ऐसे सांसद थे संजय राउत के साथ जो मजबूती के साथ खड़े थे, लेकिन अब जबकि संजय राउत ने सवालों का जवाब नहीं दिया, उन्हें डिटेन कर लिया गया है, तो संजय राउत की मुश्किलें तो बढ़ने ही वाली हैं, लेकिन साथ ही साथ अब उद्धव ठाकरे को भी ये सोचना पड़ेगा कि आखिर इस मुसीबत से कैसे निकले, क्योंकि पार्टी के सामने पहले से चुनौतियां कम नहीं है, बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं विधायकों को टूट से रोकने के लिए जो बचे हुए हैं, और साथ ही साथ सांसदों को टूट से रोकने के लिए, तो ऐसे में पार्टी को बचाना एक बड़ी चुनौती होगी अब उद्धव ठाकरे के सामने। किस तरह से उद्धव ठाकरे अभी स्थिति से निपटते हैं और संजय राउत इस सिचुएशन से निपटते हैं, खासतौर पर ईडी की जो मुसीबत उनके सामने आई है उससे कैसे निपटते हैं, ये देखना काफी अहम होगा। तो दिवाकर यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि अभी भी संजय राउत के सामने मुश्किलों की वो चुनौती सामने है, जिन सवालों का सामना संजय राउत पिछले 8 घंटे से कर रहे थे, अभी फिलहाल उनके जवाब ईडी को नहीं मिले हैं, ईडी संतुष्ट नजर नहीं आ रही है, और यही वजह है कि हिरासत में यहाँ पर ले लिया गया है। दिवाकर, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कानूनी प्रक्रिया तो यहाँ पर आगे बढ़ ही रही है, लेकिन सियासी तौर पर भी तमाम प्रतिक्रियाएं अब तक सामने आ चुकी है, किस तरह से ये पूरा मामला अब सियासी तौर पर गर्माता और उबाल मारता नजर आ रहा है। देखिए, संजय राउत एक ऐसे नेता थे जो लगातार बीजेपी पर हमलावर थे, बीजेपी के लिए शिवसेना की तरफ से बीजेपी से अकेले मोर्चा ले रहे थे, और अगर उद्धव ठाकरे के बाद की बात करें तो फिर संजय राउत ही ऐसे नेता थे जो लगातार शिवसेना को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इस टूट से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि सियासी घमासान, हालांकि बीजेपी की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई है, साहब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जब आपने गलत नहीं किया तो डर क्यों रहे हैं, और यहां पर देखिए उनके में परिवार की भी तस्वीरें, जो परिवार लगातार उनकी माँ और
पत्नी जो है लगातार घर पे खड़ी हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी मुश्किल परिवार के लिए भी होगी, क्योंकि संजय राउत को डिटेन कर लिया गया है। और अगर संजय राउत ईडी दफ्तर में पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं या सहयोग नहीं करते हैं तो फिर गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटक सकती है। ईडी के पास ये विकल्प होगा कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन ऐसे में आप संजय राउत ईडी के दफ्तर में किस तरह से पूछताछ में सहयोग करते हैं ये देखना काफी अहम है। लेकिन जिस तरह से संजय राउत को हिरासत में लिया गया है, सियासी घमासान महाराष्ट्र में एक बार फिर से मचने वाला है। कांग्रेस और एनसीपी लगातार इसका विरोध करते रहे हैं और साफ तौर पर कहा यह आरोप भी करते रहे हैं कि ईडी का लगातार दुरुपयोग जो है वो केंद्र सरकार कर रही है अपने विरोधियों के खिलाफ। संजय राउत यहां पर ये भी साफ है दिवाकर कि अगर चुनौतियां संजय राउत के लिए यहां पर बड़ी है, क्योंकि संजय राउत और उद्धव ठाकरे बहुत करीबी माने जाते हैं, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की भी चुनौती और परेशानी यहां पर लगातार बढ़ जाएंगी। देखिए जाहिर तौर पर शिवानी, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे की जो परिस्थिति बनी थी महाराष्ट्र में, शिवसेना में बड़ी टूट हुई थी और ऐसे में संजय राउत ही एक ऐसे शख्स थे जो उद्धव ठाकरे के साथ लगातार खड़े थे, बीजेपी पर हमलावर थे, लगातार वो बागी जो विधायक है, बागी जो सांसद है उनको लेकर हमलावर थे। आज का ही आप दैनिक सामना जो उनका संपादकीय आता है उसमें पढ़िए तो ईडी को लेकर लगातार उन्होंने हमला बोला था और उसमें साफ तौर पर कहा था कि जो सांसद और विधायक टूट कर गए हैं वो उन्हें हिंदुत्व की वजह से नहीं गए हैं बल्कि ईडी के डर के चलते वो टूट हुई है, इस हिंदुत्व को बेवजह बदनाम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई ईडी कर रही थी दिल्ली में उसको भी लेकर संजय राउत ने सवाल खड़े किए थे कि जो भी विपक्षी पार्टी है उनको परेशान ईडी के जरिए किया जा रहा है क्योंकि वो केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लगातार उनपे हमलावर हैं और इसीलिए बीजेपी बाकायदा जो है ईडी का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों को दबाने की कोशिश कर रही है। दिवाकर कहा जा सकता है कि ईडी की पूरी स्ट्रेटेजी पूछताछ को लेकर यहां पर सामने आई। सुबह 7:20 से यह पूरी पूछताछ यहां पर शुरू हुई जो कि अब जाकर खत्म हुई।